हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक्सकैवेटर के बकेट के बारे में आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। ये XCMG कंपनी का मशीन है और ये 210 है जो 21-22 टन का होता है। इसके बाहर इसका बॉकेट जो होता है, इसका बॉकेट के बारे में क्या क्या इसका सारा चीज़ का नाम बताने वाला हूँ। ये जो आप लोग बॉकेट देख रहे हैं, बॉकेट में जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स मिल के एक बॉकेट बनता है, तो सारा पार्ट्स का नाम बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करिए। एक्सकावेटर का जो बॉकेट होता है वो बहुत प्रकार का होता है। लोडिंग बॉकेट होता है, हैवी बॉकेट होता है, रॉक बॉकेट होता है, सॉइल बॉकेट होता है, और डिचिंग बॉकेट होता है, और स्क्रीनिंग बॉकेट होता है। लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं ये रॉक बॉकेट है। सबसे पहले आप लोग को बता दे रहे हैं, ये जो देख रहे हैं 5 है, इसको टीथ बोलते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 टीथ है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इसको बॉकेट का टीथ बोला जाता है। ये एडाप्टर हो गया, इसको टीथ का पिन बोलते हैं। पिन को जो पकड़ के रखता है उसको पिन का लॉक बोलते हैं, या फिर टीथ लॉक भी बोलते हैं। देखिए ये एडाप्टर जो देख रहे हैं, एडाप्टर में होल होता है, ये टीथ हो गया, टीथ में भी होल होता है। तो इसमें टीथ को पहले डाला जाता है एडाप्टर में जो होल होता है, फिर उसमें किसी किसी पिन में सेंटर लॉक होता है, किसी में साइड लॉक होता है। तो इसमें सेंटर लॉक है तो पिन में ही लॉक रहता है, उसमें डायरेक्ट डाल के इसको कस दिया जाता है। लेकिन किसी किसी में साइड लॉक रहता है तो पहले इस साइड या उस साइड में किसी साइड में लॉक को फंसाने का जगह दिया हो रहा था, पहले लॉक को डाला जाता है, उसके बाद टीथ को डाला जाता है, उसके बाद ये पिन को डाल के हथौड़ी से कस दिया जाता है। इसको साइड कटर बोलते हैं। ये इस सब साइड कटर बोल्ट हो गया। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक जो लगा हुआ रहता है साइड कटर के जैसा रहता है दिखने में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको साइड प्रोटेक्टर बोलते हैं। इसमें नहीं लगा हुआ है। ये जो अर्धगोलाकार में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला पोर्शन है अर्धगोलाकार में, जो सेमी सर्कल में, इसको साइड प्लेट बोलते हैं। और जो लंबा वाला पोर्शन है आयताकार में है, यहाँ से यहाँ तक, इसको साइड बार बोलते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको पूरा साइड वेयर प्लेट बोलते हैं। बॉकेट का ये 1 पार्ट हो गया, ये इधर का भी दूसरा पार्ट जो होता है, ये 1 साइड पार्ट हो गया। एंड दूसरा साइड का जो पार्ट होता है उसको कमसेल बॉकेट कहते हैं, यानी कि बॉकेट का दोनों साइड होता है उसमें। बॉकेट का आप लोग जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसको लोअर बीम बोला जाता है। इसमें नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर रहता है। इसको मिडिल बीम बोला जाता है, और ये इधर जो रहता है ये प्लेट लगा हुआ रहता है, हेवी प्लेट, उसको टॉप बीम बोलते हैं। तो ये लोअर बीम, मिडिल बीम एंड टॉप बीम। बॉकेट का आप लोग जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला बॉकेट के दोनों साइड में होता है, इसको बोलते हैं गैस सेट बोलते हैं। इधर भी है, बॉकेट के दोनों साइड में रहता है, इसको गैस सेट बोलते हैं। बॉकेट के इस वाले हिस्से में यहाँ पे बीच में मिडिल में यहाँ पे एक हुक लगा हुआ रहता है, जिसको बॉकेट को अगर यदि रिपेयरिंग वायरिंग करने के लिए इसको लिफ्ट किया जाता है तो इसमें लिफ्ट आई लगा हुआ रहता है, इसमें जो बॉकेट को उठाया जाता है, इसको लिफ्ट आई लगा हुआ रहता है। यहाँ एक तरह से हुक प्रकार का होता है जो इसको कब्जा बना हुआ रहता है। बॉकेट के इस वाले पोर्शन में ये जो प्लेट सब आप देख रहे हैं, ये सब, ये तो यहीं तक इसका ये छोटा छोटा पार्ट्स में लगा हुआ है, इतना ही है। लेकिन ये यहाँ से शुरू होकर नीचे तक जाता है। जितना इधर देख लें, जितना बड़ा इधर है उतना ही नीचे की तरफ रहता है, तो उसको हील स्लॉट्स बोला जाता है ना, इसको हील स्लॉट्स बोला जाता है। लेकिन ये अभी नहीं है, इस बॉकेट में नहीं है। यहाँ से लेकर अंदर तक जो रहता है उसको हील स्लॉट्स बोला जाता है। और आगे वाला पोर्शन में आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है। इसमें इस तरह से यहाँ लगा हुआ रहता है, इस तरह से। ये जो आप लोग देख रहे हैं, 1 2 3 4 पीस रहता है, जो टीथ का बीच बीच में रहता है उसको लिप स्लॉट्स बोला जाता है। आगे वाला को जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है लिप स्लॉट्स बोला जाता है, और इसको हील स्लॉट्स बोला जाता है। बॉकेट का आप लोग ये पार्ट्स जो देख रहे हैं, इस वाले हिस्से को लिप्स स्लॉट्स बोला जाता है। लिप स्लॉट्स जो टीथ होता है उसके बीच बीच में लगा हुआ रहता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 इसमें लिप स्लॉट्स लगा हुआ है। इस वाले को ग्रुप एडजस्टर भी बोलते हैं, कॉलर भी बोलते हैं, जो दो होता है। देखिए इस साइड में और इस साइड में टीथ का, स्टिक का दोनों साइड में होता है। सो ग्रुप एडजस्टर और कॉलर भी बोला जाता है। ये जो पूरा हिस्से को, ये जो पूरा हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, ये वाला कॉलर वाला का पूरा हिस्सा को हिंज बोला जाता है। मैं जहाँ तक मालूम है, ये सारा चीज़ आप लोग का नाम पता होगा। ये जो सारा चीज़ देख रहे हैं आप लोग के, ये सब का नाम पता होगा। इसको तो
पिन लॉक बोला जाता है। ये पिन लॉक बोल्ट हो गया, ये नट हो गया, ये पिन हो गया। इसके अंदर ये जो होल है, होल के ऊपर में भारी भारी हिस्से में इसको बूस लगाया जाता है, बूस हो गया इसमें। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला इसको सिम बोला जाता है। यहाँ से ये जो आप लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है, इस वाले हिस्से को ब्रैकेट कहा जाता है, इसको डॉग बोन बोला जाता है। और ये वाला हिस्सा को एच के शेप में, जो भी सीढ़ी का एच होता है उसके शेप में, इसीलिए इसको एच लिंक बोलते हैं। और ये वाला पिन जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब चीज़ को कनेक्ट करता है। देखिए ये हो गया, ये सिलेंडर हो गया इसका, इसको पकड़ के रखता है, डॉग बोन को पकड़ रखता है, और ये एच लिंक को भी पकड़ के रखता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग पिन कहा जाता है। ये वाला जो लंबा वाला हिस्सा देख रहे हैं इसे, ये छोटा वाला इसको मेन, ये साइड कटर बोलते हैं, और ये पूरा लंबा वाला हिस्सा को मेन साइड कटर भी बोलते हैं। और इसके वाला जो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ था साइड कटर के ऊपर में, बस उसी प्रकार का साइड कटर के ही जैसा लगा हुआ रहता है, इसे साइड प्रोटेक्टर बोलते हैं। ये वाला इसको मेन साइड कटर कहते हैं। बकेट का ये वाला हिस्सा जो ये होल देख रहे हैं, तो ये जो ड्रेन के लिए होता है, पानी अगर बकेट में भरा हुआ रहेगा, मटेरियल लेके मटेरियल शिफ्ट कर रहे हैं उसमें, अगर यदि उसके साथ में पानी भरा हुआ रहता है तो उसको ड्रेन के लिए ये सब होल दिया जाता है। ये वाला जो बकेट का आप लोग जो ये देख रहे हैं राउंड वाला शेप में, इस पार्ट्स को रोलर प्लेट बोला जाता है, क्योंकि ये राउंड शेप में है इसलिए इसको रोलर प्लेट बोला जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये प्लेट जो लगा हुआ है 1 2 3 4, ये बकेट के पीछे साइड में, इसको वेयर स्ट्रैप बोला जाता है, इसे वेयर स्ट्रैप बोला जाता है। और ये वाला को रोलर प्लेट बोला जाता है। बकेट के इस वाले पोर्शन में जो एडाप्टर के ऊपर में हल्का हल्का आप लोग को दिख रहा होगा, इस पूरे वाले हिस्से को एडाप्टर बोला जाता है, लेकिन एडाप्टर के ऊपर में ये थोड़ा सा इसमें प्लेट लगा हुआ रहता है, इसको कटिंग एज बोला जाता है ना। ये साइड कटर हो गया, इसके इधर नीचे में इसको कटिंग एज बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसको डस्ट सील बोला जाता है, इसमें डस्ट अंदर नहीं चला जाए उसके प्रोटेक्शन के लिए से डाला जाता है। ये देखिए इधर भी लगा हुआ और इसमें भी लगा हुआ, इसको डस्ट सील बोला जाता है।